बाइक आगे बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, दिख रहा है, एंड बाइक आगे बढ़ रहा है, मैंने अभी तक एक्सेलरेशन नहीं दिया। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि रॉयल एनफील्ड चला के बताओ, बुलेट कैसे चलाया जाए उसके बारे में हमको बताओ। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम बिगिनर राइडर हो और आपको बुलेट चलाना है तो आप किस तरीके से चला सकते हो। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है, एंड ये वीडियो भी मैं शॉर्ट रखूँगा ताकि आप लोग फटाफट से अपना बाइक चलाना सीख पाओ। तो पहला चीज़ यह है कि बुलेट हैवी बाइक है, यस इट्स हैवी, एंड बिगिनर राइडर के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जब आप इसको चलाओगे, तब आपको इसको टर्निंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। अगर आप रुक गए और गिरने वाले हो तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकता है। सो कुछ टिप्स मैं आपको दूंगा जिसकी वजह से आप ये सब चीज़ नहीं करो और इजीली बाइक चलाना सीख जाओ। सो जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये है रॉयल एनफील्ड 500 सीसी का, आपके पास 350 सीसी का होगा या और कोई भी होगा, यू कैन इजीली गो एंड इजीली डू इट। ओके, सो पहला चीज़ तो मैं आपको ये बोलूँगा कि सेफ्टी वाइज आप अपने लिए ऐसे इंजन गार्ड और लगा के रखो ताकि इन केस किसी रीज़न के वजह से बाइक अगर गिर जाए तो आप सही तरीके से बच सको। दूसरा एक और चीज़ मैं आपको ये बोलूँगा कि जब भी आप बाइक चला रहे हो एंड ऐसा कुछ हो जाए कि बाइक गिरने वाला है, तो सिंपल बात है, बाइक को छोड़ के आप साइड में चले जाओ, बाइक को बचाने का कोशिश मत करना, क्योंकि वैसा चीज़ में आप वेट नहीं उठा पाओगे। तो ये चीज़ याद रखना कि अगर बाइक ज़्यादा झुक गया है, ऐसा कुछ है, तो आप बस साइड में छोड़ के निकल जाओ एंड आपको कोई भी तरीके का तकलीफ नहीं होगा। अभी यहाँ पर रॉयल एनफील्ड जो अगर आप फर्स्ट टाइम पर चलाने वाले हो तो मैं आपको कुछ कंट्रोल्स बता देता हूँ। सो ये है आपका हैंडल बार, इसमें राइट में और लेफ्ट में दोनों में कंट्रोल्स है बराबर। ये है आपका क्लच, ये है पासिंग लाइट, ये है आपका हेडलाइट, फिर इसके बाद सिग्नल इंडिकेटर, एंड यहाँ पे है आपका हॉर्न। इसके बाद सेकंड चीज़ यहाँ पे देखते हैं, ये है इंजन किल स्विच, यहाँ पे है आपका हेडलाइट का आगे का इसका पोजीशन, ये है आपका सेल्फ स्टार्ट, एंड बाकी यहाँ पे स्पीडोमीटर में ज़्यादा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है आपका स्पीडोमीटर एंड ये है आपका ओडोमीटर, मतलब यहाँ पे आप कितना स्पीड चला रहे हो वो देखने मिलेगा, यहाँ पे बाइक कितना किलोमीटर चला है वो देखने मिलेगा। ये बैटरी का चीज़ है, अगर आपका बैटरी डाउन रहेगा तो यहाँ पर दिख जाएगा, एंड नॉर्मल आप की लगा के अपना बाइक को स्टार्ट कर सकते हो। यह बंदे ने यहाँ पर लगा के रखा है लाइक अ पेट्रोल लॉक, सो अगर कोई चोरी करने वाला रहेगा तो वो चोरी नहीं कर पाएगा। अब इसके बाद देखते हैं जो कंट्रोल है अपने राइट साइड के अंदर, एंड वो यहाँ पे है ब्रेक बराबर। तो ये है रियर ब्रेक यानी कि पीछे का ब्रेक, एंड ये है फ्रंट ब्रेक यानी कि आगे का ब्रेक। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो, ये है गियर, तो आप गियर्स को शिफ्ट कर सकते हो इजीली, एंड गियर को शिफ्ट करने के बाद आप आगे बढ़ सकते हो। तो जैसे जैसे आपको ज़्यादा स्पीड चलना है उस तरीके से आप अपना गियर्स को बढ़ा सकते हो। अभी शायद से इतना सारा चीज़ तो आपको ऑलरेडी पता होगा। अब इसके बाद आगे नेक्स्ट चीज़ ये करते हैं कि बुलेट को किस तरीके से प्रैक्टिस किया जाए, किस तरीके से चला जाए। देखो सिंपल बात है, अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप डायरेक्टली थर्ड फोर्थ गियर पर चले जाओ। कोई भी बाइक होता है जो दिखने में हैवी लगता है एंड सच में वो हैवी होता है। सो सिंपल बात है, आप उसको जब देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यस इट्स हैवी, बट जब चलने लगता है तो वो आपको हैवी नहीं लगता। सो आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं, जब एक बार बुलेट चलते रहेगा तब हैवी नहीं लगेगा, लेकिन जब आपको उसको रोकना रहेगा, जब आपको उसको यहाँ से वहाँ स्लो स्पीड में मैन्यूवर करना रहेगा, मतलब लेफ्ट राइट टर्न लेना रहेगा, सो तब आपको बुलेट ज़्यादा करके हैवी लगेगा। सो सिंपल चीज़ है, अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है सो टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं। आपको पहले चीज़ ये है कि स्लो स्पीड में चलाना सीखना है, ज़्यादा स्पीड में नहीं, 0 to 10। तो इस तरीके से आप अपना बाइक को चलाना सीखो, फिर धीरे धीरे करके बढ़ाओ। गियर्स मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं, फुल क्लच प्रेस करो एंड फिर यहाँ से पहला गियर एंड फिर नीचे से ऊपर दूसरा गियर, इस तरीके से आप तीसरा चौथा पांचवा इस तरीके से गियर्स को आप शिफ्ट कर सकते हो। पहला चीज़ है कि इसमें पांच गियर है, पांच गियर में इसमें सिस्टम होता है 1 down and 4 up बराबर। तो मैं यहाँ से पहला गियर करने के लिए नीचे करूँगा एंड फिर इसके बाद बाकी के सारे गियर्स मैं पीछे से कर सकता हूँ बराबर। तो इस तरीके से हो जाएगा, आप मतलब यहाँ से पहले किया, ये हो गया फर्स्ट, फिर इसके बाद ये हो गया सेकंड, फिर इसके बाद थर्ड, फिर इसके बाद फोर एंड फिर इसके बाद फिफ्थ। इस तरीके से मैं गियर को ऊपर कर सकता हूँ, फिर इसके बाद गियर्स को नीचे करना है, डाउन शिफ्ट करना है या गियर को कम करना है, तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा यहाँ से पुश बराबर। तो ये हो जाएगा पाँचवें से चौथा, चौथे से इसके बाद तीसरा, तीसरे के बाद दूसरा, दूसरे के बाद पहला, पहला एंड दूसरे के बीच में न्यूट्रल आता है। सो बहुत इजी है, अगर आप हल्का सा लाइट पुश करोगे तो न्यूट्रल में चला जाएगा, अगर आप ज़्यादा ज़ोर से दोगे तो
तो आपका ये चला जाएगा बाइक फर्स्ट गियर में, समझ में आ गया। एंड अगर आप नीचे से ऊपर कर रहे हो, हल्का सा लाइट दिया, तो अगेन ये हो जाएगा न्यूट्रल में। एंड अगर आप ज़्यादा ज़ोर से पुश करोगे तो हो जाएगा सेकेंड गियर में। सो दैट्स इट, ये बहुत ही ईजी है। तो जैसे मैं यहाँ पर अभी बाइक के ऊपर बैठता हूँ, बुलेट के ऊपर, एंड जैसे आप देख रहे हो मैं यहाँ पर बैठ गया। सो बस एक बार आपको बैठना है एंड स्लो स्लो बाइक को चलाने का कोशिश करना है। मैं स्टैंड को ऊपर कर देता हूँ एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ, स्पीड ब्रेकर ऐसा कुछ आया, सब गिर सकते हो। बाइक को मैं स्टार्ट करता हूँ एंड जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो न्यूट्रल का लाइट नहीं जल रहा है, इसका मतलब बाइक अभी न्यूट्रल में नहीं है। तो मुझे बाइक को न्यूट्रल में लेके आना पड़ेगा, आगे बढ़ने से पहले मुझे इसको न्यूट्रल में लेके आना पड़ेगा। क्लच प्रेस करके रखा है एंड क्लच प्रेस करके मैं उसको थोड़ा सा आगे पीछे करता हूँ तो ये चला जाएगा न्यूट्रल में। ओके, तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ये चला गया है न्यूट्रल में। थोड़ा सा इश्यूज होता है न्यूट्रल में लाने के लिए, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड गियर के बीच में न्यूट्रल आता है। सो थोड़ा सा गाड़ी को आगे पीछे करोगे तो हो जाएगा न्यूट्रल। अब यहाँ पर मुझे करना है ये कि बाइक को स्टार्ट करना है, तो मैं यहाँ पर बाइक स्टार्ट करता हूँ। क्लच प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नॉर्मल स्टार्ट करोगे। ये हो गया बाइक स्टार्ट, बहुत ईजी सेल्फ स्टार्ट हो गया है। किक स्टार्ट भी आता है, आप किक स्टार्ट से भी स्टार्ट कर सकते हो। बाइक एक बार स्टार्ट हो जाए, इसके बाद आपको करना है ये कि फुल क्लच प्रेस करो, ऊपर से नीचे की ओर प्रेस करो। ये हो जाएगा फर्स्ट गियर में, यहाँ पे न्यूट्रल का लाइट चला जाएगा। इसके बाद आपको धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, जिसके वजह से बाइक आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेना है, दिख रहा है धीरे धीरे क्लच छोड़ा, दोनों पैर ऊपर है मेरे एंड धीरे धीरे क्लच छोड़ा है, बाइक आगे बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, दिख रहा है। एंड बाइक आगे बढ़ रहा है, मैंने अभी तक एक्सेलरेशन नहीं दिया, इस तरीके से बाइक जा रहा है। आपको पहले तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है, फिर इसके बाद जब आपको यहाँ से धीरे धीरे एक्सेलरेशन देना स्टार्ट करना है, आपका बाइक आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, दिख रहा है इस तरीके से। बहुत ईजी है, यू कैन डू इट। एंड फिर जैसे ही ऐसा कुछ आता है, एक्सेलरेशन छोड़ो, आप इजीली कवर अप कर लोगे। अगेन धीरे धीरे एक्सेलरेशन दो। मैं क्लच ने यहाँ पे नहीं प्रेस कर रहा हूँ, क्लच पे हाथ रखा है एंड फ्रंट फिंगर पे ऑलवेज एक फिंगर से हाथ रखा है मैंने। और जैसे बाइक थोड़ा सा स्पीड भागने लगता है, आपको फुल क्लच प्रेस करना है, दूसरा गियर में शिफ्ट करना है एंड धीरे धीरे आप आगे बढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, दिख रहा है। तो इस तरीके से आप इजीली बुलेट राइड कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। जब आपको रुकाना है, बहुत ईजी है, एक्सेलरेशन छोड़ो, फ्रंट ब्रेक प्रेस करो, रियर ब्रेक प्रेस करो एंड फिर इसके बाद आप अपने बाइक का स्पीड को स्लो कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने जैसा बताया, लाइक मैंने अभी आपको बताया कि लाइक आपको फ्रंट ब्रेक यूज़ करना है, आप रियर ब्रेक भी यूज़ कर सकते हो बाइक को रुकाने के लिए। तो जैसे हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं एंड बाइक अगर स्लो करना है, एक्सेलरेशन छोड़ो, रियर ब्रेक प्रेस करो, फ्रंट ब्रेक प्रेस करो एंड फिर उसके बाद फुल क्लच प्रेस कर दो। इस तरीके से आपका बाइक रुक जाएगा, फिर धीरे धीरे अगेन क्लच दो, एक्सेलरेशन दो, आपका बाइक ईजिली सेकेंड गियर पर भी आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका बाइक मूविंग होगा तो, अगर आपका बाइक मूविंग नहीं होगा तो फिर आपको फर्स्ट गियर पे शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे मतलब मूविंग का मतलब, यहाँ पे पहले रियर ब्रेक प्रेस किया, फ्रंट ब्रेक प्रेस किया, क्लच प्रेस किया और मैंने यहाँ पे गाड़ी रुका दिया है, बराबर। अभी मैं सेकंड गियर पे हूँ, तो जैसे पूरा कंप्लीटली स्टॉप हो गया हूँ मैं यहाँ पर, आगे बढ़ने के लिए फुल क्लच प्रेस किया, फर्स्ट गियर में शिफ्ट किया, धीरे धीरे क्लच छोड़ रहा हूँ, धीरे धीरे एक्सेलरेशन दे रहा हूँ एंड मैं आगे बढ़ना स्टार्ट हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। कभी कभी ऐसे गियर्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे अटक जाते हैं अगर आपका बाइक ओल्ड रहेगा तो, बट स्टिल लाइक आपको समझ में आ गया रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं सेकेंड गियर पर। पहले प्रैक्टिस तो आप यही करो फर्स्ट एंड सेकेंड गियर पे एंड ट्राई करो कि स्टेडी स्ट्रेट हैंडल रख के ब्रेकिंग करने के लिए हैंडल को इधर उधर मत घुमाओ, आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा, आप सही तरीके से ये चीज़ कर लोगे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक इट, नए हो तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको इसके अलावा और भी कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी। बाय एंड गुड लक।